Boy should have rights to get pregnant. कुल होने चाहिए भाई नहीं यार. We should not flush after pooping. Girls are great drivers. Left का indicator देके right में जाने की क्या जरूरत है सर? वो actually ना लड़की वहाँ पे prank कर रही होती है. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल. आज हम बहुत ही वियर्ड टॉपिक्स पे डिबेट करने वाले हैं. कौन फेवर में बोलेगा और कौन अगेंस्ट में, वो इस मिस्ट्री बॉक्स से पता चलेगा. कोई भी रैंडम आके यहाँ से एक बॉल निकालेगा. अगर बॉल रेड कलर की होती है तो वो अगेंस्ट में जाएगा, और अगर बॉल ग्रीन कलर की होती है तो वो फेवर में जाएगा. और जो भी टॉपिक सिलेक्टेड होंगे उसमें ही आपको फेवर या अगेंस्ट में ही बोलना पड़ेगा. और सबसे बड़ा रूल हमारा ये है कि आपको जिस भी साइड जाना है उस साइड ये कैप्स डाल के जाना पड़ेगा. तो सबसे पहला टॉपिक है, क्या ये वीडियो हमें बनानी चाहिए? तो फिर बारी बारी आ जाओ. ओके, अगेंस्ट, परफेक्ट, अगेंस्ट अगेन, फेवर फेवर, मुन्ना अपने ही चैनल के अगेंस्ट. आपका ग्रीन ही है, फेवर. सो यू गाइज आर रेडी? क्वेश्चन आप सबको पता है कि क्या ये हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो फिर ओपनिंग स्टेटमेंट कौन देगा? हमें वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि हमें अपनी जनता की डिमांड है, आपको हमें देखना चाहते हैं तो हम वीडियो बनाएंगे. जी वीडियो तो बनानी चाहिए इसके अगेंस्ट नहीं, हम पर ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए इसके अगेंस्ट. वीडियो तो बनाएंगे तभी तो बैठे यहाँ पे, और क्या बैठे. उस हिसाब से तो फिर इतना पकाओ कंटेंट आवे तो आपको कोई वीडियो नहीं बनानी चाहिए. ये वीडियो आई वीडियो बनेगी ना, पोस्टिंग चल पड़ेगी यहाँ पे. सीधी सी बात है, हम इस वीडियो में करने वाले वियर्ड टॉपिक्स पे डिस्कशन, जिनकी ना कोई सिर है ना पैर है, और टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, इनका इनकल तो है नहीं पर आपका भी वेस्ट हो रहा है, तो ये कोई नहीं. हम यहाँ पे करने आए हैं वेयर टॉपिक्स पे डिस्कशन, मतलब बकचोदी और जनता मांगती है बकचोदी. तो इसका मैं डिसीजन दूंगी, और अगर ये वीडियो बन रही है और ये अपलोड भी होगी तो फिर मैं फेवर वालों को जिताना चाहूंगी. तो आप इस राउंड के विनर होते हो. गर्ल्स आर ग्रेट ड्राइवर्स. Yes, girls are great drivers because मैं खुद एक driver हूँ, और मैं एक लड़की भी हूँ, और मैं एक बहुत अच्छी driver हूँ. जी मैं कहना चाहूँगा मैं इनके पीछे भी बैठा हूँ, बाकी लड़की भी पीछे बैठा हूँ, और मेरी सांस से बैठ जाती है. तो मैंने ऐसा कभी लड़की को रैश ड्राइविंग करते हुए देखा विदाउट लाइसेंस? नहीं चल, क्योंकि वो ड्राइविंग कराई नहीं जा सकती सर, वो तो मौत से खिलवाड़ है. लड़कियों से गाड़ी की सर्विस बचती है. कैसे सर? देखो वो ब्रेक कम मारेगी, लेदर घसेगा नहीं. लड़कियों की वजह से जो उनके पीछे होते हैं उनकी सर्विस बढ़ जाती है. आप मुझे एक बात का मतलब समझा दो, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट में जाने की क्या जरूरत है सर? वो एक्चुअली ना लड़की वहाँ पे प्रैंक कर रही होती है. इस प्रैंक के चक्कर में भाई हम लड़कियों पे ट्रस्ट कैसे करें? वो पैर उसे ब्रेक के लगाती है. जिसको अपने हाथों पे भरोसा नहीं है उससे हम कैसे भरोसा करें? हाँ यार, वो पापा की परी है, उन्हें उड़ने का मौका दो, ड्राइविंग मत करो. इसके सर पे हाथ रख के बोल दो कि लड़की ड्राइविंग सेफ है. सर सर पे हाथ रख के बोल दो कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर है, मैं मान जाऊंगा सर. सर मैं ये सगी उसके सिर पे मत रखो सर. ओके, तो अब इसका डिसीजन जो है वो जाता है अगेंस्ट वाली टीम की तरफ, क्योंकि इनके ज्यादा वैलिड पॉइंट्स थे. मैं एक लड़की होने के बाद भी मुझे अग्री करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती अच्छे से. नेक्स्ट टॉपिक, रिश्तेदार अच्छे होते हैं. बहुत अच्छे होते हैं यार, क्यों नहीं अच्छे होते? पैसे मिलते हैं. कल को हमने बड़े होना है, हमने भी कोई किसी की रिश्तेदारी बनना है. मेरे बेटे के बच्चे होंगे तो मैं रिश्तेदारी हुई ना, मेरे बेटे, मेरे बेटे के, मेरे भाई के, मैं नहीं, मेरे भाई के बच्चे होंगे तो मैं उसकी बुआ हुई, तो मतलब मैं रिश्तेदार हुई. और रिश्तेदार अच्छे होते हैं. नहीं भाई, रिश्तेदार चुगल खोर होते हैं भाई. भाई तुम ऐसे काम क्यों करते हो भाई? तुम क्यों बंदियों के साथ पार्क में बैठ करते हो? क्यों क्यों रिश्तेदार को क्या चूल्हे में कितने नंबर आ रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने कब शादी करनी है, उनको क्या, उनकी बीवी है ना, मनाओ अपनी शादियां. टाइम पास भी करना होता है यार. मतलब रिश्तेदार टाइम पास कैसे करेंगे? टाइम पास के लिए, बच्चों के लिए. तुम किसी के रिश्तेदार नहीं हो, चुगलखोर नहीं है. रिश्तेदार हो या नहीं हो? यस और नो, सीधी बात. तुम कैसे हो, अच्छे हो बुरे हो? बुरा हो. बुरे हैं. मैं खुद मानता सर, हम बुरे हैं, बुरे हैं. मुझे भी ऐसा ही लगता है कि रिश्तेदार अच्छे नहीं है. yes. फिर से मैं इस टीम को जिताना चाहूंगी, और दीज गाइज आर लूजिंग. टीम्स हम फिर से शफल करेंगे, तो वापस से अपनी कैप्स यहां रख दो.
अगर मुझे ग्रीन आता तो टीम तो सेम बन जाएगी। लेकिन अगेंस्ट में ना अब हम कंटेंट टीम सेम बन कंटेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी शुड नॉट फ्लश आफ्टर पूपिंग। ये एकदम सही बात है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। फ्लश हम करेंगे, आप दिन में कितनी बार रखने जाते हो? सॉरी टू से वर्ड्स, मेरे माफ करना, पर कितनी बार पॉटी करने जाते हो? कम से कम 3-4 हगना पड़ता है भाई, कहीं की तो डाइजेशन खराब हो जाती है। तो आप इतने इतना पानी फ्लश कर रहे हो तो कितना वेस्ट हो रहा है? सॉरी टू से पर इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, वो दिखने में काफी अच्छा लगता है। बाकी आप देख लो। देखिए फ्लश तो करना पड़ेगा, हम लोगों की टट्टियों पर टट्टी नहीं कर सकते भाई। तो आप ऐसे इतने गंदे में कैसे रह लोगे यार? सर देखिए आपको क्या पता आप यहाँ पे क्या पहले हुआ है, आपको पता है यहाँ पे बैठने से पहले क्या हुआ है? यहाँ मैं बैठा था, आप बैठे। इट्स वेरी अनहाइजीनिक। आप लोग दूसरों की केयर करते हो ना, दूसरे का सॉरी फॉर लैंग्वेज हगा हुआ देख के पता लगता है कि वो ठीक है नहीं है। उसका पेट ठीक है कि नहीं है? अब कैसे पता लगेगा आपको? माओ को अपने बच्चों कैसे पता लगता है? हगा हुआ देखते हैं वो उनका। फ्लश कर देंगे तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता लगेगा बताइए, बताइए। एक बंदा बोल भी सकता है कि मैं ठीक हूं, बच्चा कैसे बोलेगा? कैसे बोलेगा भाई? जो बच्चा फ्लश कर सकता है वो बोल भी सकता है। सर बात सिंपल सी है, आपके टीममेट की चुप्पी देख के पता चल रहा है कि क्या हाल है गेम के। भाई वो टीममेट ही बदला यार, ये टीममेट स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखिए फ्लश करना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी अनहाइजीनिक। और मैं भी हो चुका है, कितनी बार बोलोगे मैम? फ्लश करके म्युनिसिपैलिटी वालों को भाई काम बनता है, हमने कभी सूंघ के नहीं देखा, कभी साफ कर पाएंगे और उनको पैसा तभी आएगा। अगर हम अनहाइजीन रखेंगे बीमारियां होंगी, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर का काम चलेगा, एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ भी है। एम्प्लॉयमेंट तो हर जगह मैम, हर जगह सर, हर जगह सर। आप भी कुछ बोल रहे थे सर? नहीं नहीं सर, आपने यही बोल रहे थे सर, की आवाज टीम टीम, ये आपकी टीम सर। ओके मैं अपने डिसीजन पे आती हूँ, मैं अपना डिसीजन अगेंस्ट में देना चाहती थी, बट पॉइंट सुनने के बाद ये क्लियर क्लियर विनर्स, इसमें हमारी टीम फेवर वाली बनती है। और डिसीजन ये होता है कि हमें फ्लश नहीं करना चाहिए बिकॉज वी केयर फॉर ईच अदर। प्लीज मेरे बाथरूम जाने के बाद तुम तीनों आए बारी बारी आए। ओके सो नेक्स्ट इज वाटर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। बिल्कुल है जी, बिल्कुल हार्मफुल है। देखो वाटर में कैलोरीज ही नहीं होती है सर, क्या इंटेक ले रहे हैं हम दिन में 4-5 लीटर, कहाँ जा रहे हो सर? टट्टे घूमे सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बीप कर देंगे, पर कहाँ जा रहे हैं सर? पानी नहीं है तो पीते हो तुम? नहीं पीते, नहीं पीते सर। ऐसे पर्सनल मत हो ना सर, डिबेट चली हुई है, क्या हो रही है? आप मुद्दे से मत बैठो सर, ये बात ही चली है। अपनी सीट्स पे बैठे रहे। पानी बहुत जरूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है और हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है और जिंदा रहना। मैम स्किन तो मेकअप भी कर रहे हैं आप, मेकअप से भी जिंदा है ना। पानी जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है, जिंदा पॉइंट मारो, खुद उठी निकलती है, सामने वाले से भी निकलती है। ये दुनिया सांस किसकी वजह से ले? पानी की वजह से। दुनिया चल कैसे रही है? पानी की वजह से। दुनिया जी कैसे रही है? पानी की वजह से। देखिए इंडिया में गटरों का है बहुत बुरा हाल, ठीक है, तो हम मूतेंगे नहीं तो गटर खराब नहीं होंगे, और हम पियेंगे नहीं तो हम मूतेंगे नहीं। ये बात, ये बात। अगर हम पानी पिएंगे नहीं तो हम जिंदा भी नहीं होंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रह सकते हैं मैम, आप ट्राई करके देखो, चल जाएगा। देखिए ना सीधी सी बात बोलूं, वाटर इज अ पॉइजन, सच में वाटर जहर है, ये 70-80 साल में बंदे को मार देता है। आप अभी सेवन करोगे 70-80 साल बाद देखना। तो फिर डिसीजन ये है इनकी तरफ से, इतने ज्यादा पॉइंट सुनने के बाद मैं इनको जिताना चाहूंगी। तो फिर हमारी आगे अब आप सब सोच रहे होंगे क्या हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं जज चेंज हो चुका है, अब होगा डबल फन। तो हमारा टॉपिक है फार्टिंग इन पब्लिक इज नॉर्मल। जी बिल्कुल नॉर्मल है। देखो फार्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, एकदम नेचुरल है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी शर्म या वो करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप दूसरे बंदे को अपनी अपनी गंदी बदबू में मार दो, वो भी तो नेचुरल जीना चाहता है। मैं तो सीधे से बोल जाऊंगा पा दो ग्राहक पा दो। हमारे पेट में अगर फाट होगा, मतलब कुछ अंदर पॉइजन होगा, उसको निकालना होगा तो हम कहाँ रखेंगे फिर उसको?
अच्छा सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, ये बोल रही कि पब्लिक प्लेस में हो तो फिर दूर चले जाओ, मान लो मैं घूम के मेले में गई हूँ, अब इतनी भीड़ होती है वहां, हम एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं, तो अब वहां पे मैं पहले मुझे फार्ट करना है तो पहले मैं रोकूंगी, फिर उसके बाद मैं 3-4 घंटे लेके उस भीड़ से बाहर जाऊंगी। देखिए आपका टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। कंट्रोल कर सकता है आदमी, कंट्रोल कर सकता है आदमी। एक बंदे का मरना तो ठीक है ना 100 बंदों के लिए, कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी, आप फाटेंगे 100 बंदे मरेंगे, आप अकेले बाहर जाके फाटेंगे, आप अकेले मरेंगे। आप मुझे एक न्यूज बता दो जहाँ पे फाटिंग से बंदा मर गया हो, बताइए मैम कहाँ मरा है, कहाँ मर रहे हैं? फाट रोकने से मर सकते हैं क्योंकि वो इनडाइजेशन अंदर। ये मैं न्यूज दोनों साइड से मैंने सुना, ठीक है। मेरा ये मानना है फाट सूंघने का तब मजा है, वो डिपेंड करता है फाटा किसने है। क्रश ने बात हो तो तब तो मैं सूंघना पसंद करूंगा, घुस जाएगी। सॉरी सॉरी। तो अगर मैं अगेंस्ट भी जाना चाहूं फिर भी मैं फेवर के साथ हूं, तो ये पॉइंट मैं इनको देता हूं। पैसे दिए हमने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिंकिंग इज अ बैड हैबिट, दारू बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। लेकिन पता करके आपने करना क्या, चुगलियां दूसरों की बातें इधर से उधर, हमें पता ही नहीं होता, हम करते भी नहीं है कुछ। फिर दारू की वजह से ना जाने कितने लोग मरे यार। मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं दारू होती क्या है। पता ही नहीं, दारू ने बंदों को जीना सिखाया, जब ब्रेकअप होता है तो बंदा दारू पीता है। हाँ। ये टूटा आशिक, उसकी वजह से वो पहले सोचते है कि मैं मर जाऊं, जब दारू पी लेता है वो जिंदा होता है। शादियों में पूरे डीजे वाले को इतना पैसा दो, डांस फ्लोर खाली, थोड़ी सी दारू बांटो, डांस फ्लोर भरा, पैसा वसूल। देखिए गाइस, दारू के मैं सख्त खिलाफ हूँ, बट मैं खुद पीता हूँ तो ये जाती है इस साइड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉयज शुड हैव राइट्स टू गेट प्रेग्नेंट, बिल्कुल होने चाहिए यार। नहीं, बॉय शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, मतलब बॉय शुड गर्ल्स हैव ऑल द स्ट्रगल, हम भी साथ देना चाहते हैं। भाई लड़का बनाया किस लिए बनाया, किस लिए बनाया बताओ, किस लिए बनाया बताओ, आप बताओ, आपका क्वेश्चन है। प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए, प्रेग्नेंट। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सीधी सी बात है सर, आपको पता है ऑफिस में वर्किंग वुमेन आजकल सब काम कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है, छुट्टी मिल जाती है, लड़कों को नहीं चाहिए छुट्टी, हमें 30-7 महीने की छुट्टियां, छुट्टी मिलो सर। तो भाई वो दर्द से गुजरती है, हम भी गुजर सकते हैं, हम तैयार हैं, हमें भी दर्द चाहिए। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बॉयज को भी प्रेग्नेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस दर्द से एक औरत गुजरती है वो दर्द इन मर्दों को भी समझ में आए। नहीं, एज अ लड़की मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए लड़के प्रेग्नेंट होंगे तो हम ताने किसको मारेंगे कि हमने बच्चे पैदा किए, हम किसको ताने मारेंगे, हमारा सारा जो रुतबा है जो हम अपना टांग ऊपर रखते हैं वो कैसे रखेंगे, हम लड़ाई में जीतेंगे कैसे, यही बोल के तो हम जीतते हैं कि हम प्रेग्नेंट है, हम प्रेग्नेंट होते हैं, हम डर सकते हैं। इसकी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि लड़के ही कब तक बाप बनते रहेंगे, लड़के भी माँ बनना चाहते हैं, हमें माँ बनना है। चलो अब लड़कियां हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट, लड़के उनकी केयर करेंगे, ठीक है, अब लड़का भी उसी पेन में होगा तो कौन एक दूसरे के कौन केयर, दोनों एक साथ, ये बताओ पहले कौन केयर करेगा। हमारा बोलने का मतलब ये है कि लड़कों को हक होना चाहिए, लड़कियों से छीन लो थोड़े टाइम के लिए, टिट फॉर टैट, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द स्ट्रगल, डोंट टेक टिट इन दैट। आपका पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द स्ट्रगल, बट एक चीज है कि ये काम ये नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं बन रहा। मतलब मेरा मानना है कि लड़कों का को भी हक मिलना चाहिए, बट लड़कियों के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं करना। ये मैं बोलना भी नहीं चाहता, तो इसको मैं टाई में छोड़ूंगा। तो हमारा अगला टॉपिक है नो स्पीकिंग इज अ गुड थिंग, बिल्कुल सही है जी। देखो उंगली करना तो सही है, चाहे नाक में करो चाहे मतलब सर आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नो स्पीकिंग एक बहुत ही गंदी आदत और एक घटिया आदत है।
करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए, क्योंकि इससे नाक साफ होगा, नाक साफ होगा तो सांस अच्छे से लेंगे हम। हाँ। इतनी आप सांसें लेंगे दुनिया में सांसें खत्म हो जाएंगी भाई, थोड़ी सांसें मार ली छोड़ दो, ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी सर, ये क्या बात है सर, सिर पैर, क्या बात है? सिर पैर की देखो, साफ करना ही है तो आप सुबह जब भी आप नहाते हो आप डेली साफ कर सकते हो। मैडम नहाए नहीं तो, नहाए नहीं तो क्या करें, उंगली कर धोते होंगे, मुंह तो धोते होंगे, वो भी नहीं धोते, पिछवाड़ा तो धोते होंगे। अच्छा उंगली वहां भी उंगली कर रही है सर, वहां भी उंगली कर रही है भाई। अगर नहीं नो स्पीकिंग नहीं करनी चाहिए तो भगवान ने उंगली और नाक के छेद का साइज इक्वल क्यों बनाया, बताओ क्यों बनाया? पॉइंट पॉइंट, ये तो छेद सिर्फ नाक में ही थोड़ी है, छेद और क्या अब उंगली हम वहां भी थोड़ी कर रहे हैं। देखिए ये मैं समझ गया, कभी कभी कर सकते हैं कर सकते हैं मैम, ये नाक के अलावा कहीं और बात जा रही है, कृपया नाक तक सीमित रहे। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी की जैसे ही टॉपिक क्लोज रहता है सबसे पहले इन तीनों के हाथ धुलवाए जाए। अरे भाई इनको क्या हो गया, मजा आया, मजा आया भाई, सॉरी मजा आया, इनको देता हूँ मैं पॉइंट भाई, मजा आया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वी शुड नॉट ईट नॉन वेज, नहीं खाना चाहिए भाई, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, किसी की जान जा रही है। हाँ। खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए यार, किसी को तुम खाते हो? हाँ। देखिए मैं खाती नहीं हूँ, आई एम प्योर वेजिटेरियन, लेकिन आपको नॉनवेज खाना चाहिए, ये क्या वीगन वीगन बन के घूम रहे हैं, जानवर ही जानवर अगर मरेंगे नहीं तो हम कहाँ रहेंगे? जानवरों के लिए अलग शेल्टर बनते हैं, तुम्हारे घर में थोड़े रहते हैं जानवर, जंगलों में रहते हैं मैम। हाँ। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इनकी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक बोल रहा है शेल्टर बनने, एक बोल रहा है जंगल बन रहे, आप जंगल में शेल्टर बन रहे हैं मैम। मुझे लगता है जो शेल्टर्स हैं वहाँ पे जानवरों को रहना चाहिए, जानवरों को जंगलों में ही रहना चाहिए। जी मैम, मैम की बात पे एक चीज बोलना चाहूंगा, इन्होंने बोला जानवरों को जंगलों में ही रहना चाहिए, तो आप ला के टेबल पे क्यों काट रहे हैं मैम, जंगलों में रखो। हाँ। आप बताओ इस बात का। हाँ। काउंटर दो मेरे को आप। मैं इस बात का काउंटर, मुझे लगा था तू बोलेगा कि अगर जानवरों को जंगलों में रहना चाहिए तो आप इस घर में क्या कर रहे हैं। मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि नहीं नहीं आप तो बोलिए। अगर नॉन वेज खाएंगे तो लाइफ साइकिल मेंटेन रहेगी, मेंटेन तो आपका फिगर भी है मैम। देखिए अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, जैसे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो आप मेरे जैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाएंगे हम एक पॉइंट रखना चाहते हैं कि अगर जब दारू पीने बैठते हैं तो नॉन वेज ना हो तो मजा नहीं आता यार। क्यों नहीं आता है भाई? नहीं आता है। पनीर टिक्का देखिए, पहले इन्होंने स्टार्टिंग में अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। यस मैम। है ना सर, जज बोल रहा है ये तो आप। सुनिए ये तो आपने भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, तो इवन हो गया, ठीक है। ये पॉइंट मैं इनको देना चाहूंगा, क्योंकि राहुल भाई ने जो पॉइंट बोला, दारू के साथ सबसे अच्छा खाने को क्या है? चिकन। आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं था तो ये जीते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, दारू क्या होता है? काटे काटे। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था आ चुका है, नाइट का, नाइट डे जो भी चल रहा है, सबसे फनी जज तुम्हारी बहस की आंख। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और हाँ हाँ, मुझे पता है ये वीडियो आने में बहुत देर होगी, उसके लिए दिल से सॉरी। अब वीडियोस जल्दी जल्दी आती रहेंगी, तो इस बार हमने कुछ नया ट्राई किया, मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा, मजा आया या फिर नहीं। और इतनी आगे तक वीडियो में आ ही चुके हो तो एक छोटा सा काम कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, और तब तक के लिए बाय।